शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अब एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं। उनके साथ एनसीपी के 9 वरिष्ठ नेताओं ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली। कहा जा रहा है कि एनसीपी के 54 विधायकों में से 40 विधायक उनके साथ हैं, यानी वो ठीक उसी प्रकार से एनसीपी को ले उड़े जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे शिवसेना के 56 में से 40 विधायकों को ले उड़े थे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने सोनेलाल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा पिछड़ों को नौकरी देने का काम किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि कल्पना कीजिए, 30 साल पहले जिन मुद्दों को लेकर सोनेलाल पटेल ने संघर्ष किया था, पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में उन्हें साकार किया गया। सामाजिक न्याय को साकार करने का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में किया गया। नए भारत को लेकर सोनेलाल पटेल ने जो सपने देखे थे, उसमें इन 9 वर्षों में प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज को सोनेलाल पटेल के नाम पर किया गया। कश्मीर के अंदर बाबा बर्फानी की यात्रा आज सुगमता से निकल रही है। लखनऊ के लोहिया सभागार में अपना दल कमेरावादी सोनेलाल पटेल की जयंती मना रही है। रविवार को कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे। उन्होंने सोनेलाल पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अखिलेश ने कहा, भाजपा ने नौजवानों को धोखा दिया है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसका मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है, आंकड़े तो यहां तक पता चले हैं कि उधार लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को संभाली जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने बीजेपी सरकार के लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कहा, हमारी पार्टी यूसीसी लागू करने के खिलाफ नहीं है, मगर जिस प्रकार से बीजेपी देश में यूसीसी लागू करने की कोशिश कर रही है, वो तरीका गलत है, हम सहमत नहीं है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से मिलने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान उनके घर पहुंचे। रविवार को आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ आजाद से मिलने सहारनपुर उनके घर पहुंचे। इस दौरान आजम खान चंद्रशेखर आजाद से उनका हालचाल जाना। बता दें, 28 जून को देवबंद में भीम आर्मी चीफ पर जानलेवा हमला हुआ था। हमलावरों ने उन पर फायरिंग की थी। यूपी के बरेली में एनआईए की टीम ने रविवार को छापा मारा है। बरेली के देहात क्षेत्र के आंवला क्षेत्र में एक पेंटर के घर एनआईए ने जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि पेंटर पाकिस्तानी महिला से बातचीत करता है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार आंवला में एनआईए की टीम गोपनीय तरीके से पहुंची। इसकी सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन पुलिस घर के बाहर ही मौजूद रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुहर्रम, शिवरात्रि, नागपंचमी समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल ने कई अहम दिशा निर्देश जारी करते हुए 30 अगस्त तक धारा 144 लागू करने की घोषणा की है। ज्वाइंट कमिश्नर के निर्देश में कहा गया है कि धारा 144 के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस की इजाजत नहीं होगी। धरना प्रदर्शन और बिना इजाजत के जुलूस आदि निकालने पर रोक रहेगी। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में मॉनसून अपना असर दिखा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के लामबगड़ में जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन के कारण सड़क पर मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। जानकारी के मुताबिक लामबगड़ में जलस्तर बढ़ने और सड़क पर मलबा आने के कारण बद्रीनाथ हाईवे अवरुद्ध हो गया है। मानसून कई जगहों पर आफत बनकर बरस रहा है।